वेलकम बैक यूएमबी न्यूज। चलिए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको बता दें, किसानों के लिए अलर्ट, आ सकता है एक और चक्रवाती तूफान। उत्तरी अंडमान सागर में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 10 अक्टूबर से आसपास उत्तरी अंडमान सागर में एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। अगले 4-5 दिनों में यह दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। अक्टूबर को ओडिशा के लिए क्रूर महीना कहा जाता है और एक बार फिर मौसमी गतिविधियां ओडिशा के लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। सितंबर के अंत में बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में साइक्लोन गुलाब का असर देखने को मिला। इन राज्यों में जमकर बारिश हुई। चक्रवात गुलाब की वजह से ही झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अक्टूबर की शुरुआत से भारी बारिश देखने को मिली। अब उत्तरी अंडमान सागर में एक और कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिस कारण एक बार फिर चक्रवात की आशंका मजबूत हो गई है। किसानों के खरीफ की फसल, खासकर धान, कई इलाकों में तैयार हो चुका है और कटाई हो रही है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जल्द की कटाई की शुरुआत होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में धान की फसल को पकने में थोड़ा वक्त है। अगर उत्तरी अंडमान सागर में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात में बदलता है तो किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। ओडिशा तट से टकराने वाले अधिकांश चक्रवात अक्टूबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 10 अक्टूबर के आसपास उत्तरी अंडमान सागर में एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जिसके बाद अगले 4-5 दिनों में यह दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक ओडिशा तट से टकराने वाले अधिकांश बड़े चक्रवात अक्टूबर के महीने में ही पाए गए हैं। देश में अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर साइक्लोन पारादीप में 29 अक्टूबर 1999 को टकराया था। इस सुपर साइक्लोन के कारण लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा चक्रवात फैलिन, हुदहुद और तितली भी अक्टूबर के महीने में 2013, 2014 और 2018 में आए थे। अब तक सबसे अधिक ओडिशा में आए चक्रवात। आमतौर पर ओडिशा में चक्रवाती तूफान के लिए दो मौसम है। पहला मौसम मानसून से पूर्व, अप्रैल, मई और जून से मानसून की शुरुआत तक, और दूसरा मानसून के बाद अक्टूबर से दिसंबर तक है। भुवनेश्वर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वर्तमान निदेशक करत साहू ने बताया कि मानसून के बाद के मौसम में ओडिशा में अधिक संख्या में चक्रवात आते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और देखते रहिए यूएमबी न्यूज़। आपका दिन शुभ हो।